हेलो दोस्तों, द इंडियन फिश के पहचान में आपका स्वागत है। एक्वेरियम मेंटेन करना एक आर्ट है और इस आर्ट का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इसकी वाटर क्लैरिटी। जितना क्लियर आपका वाटर रहेगा उतना ही अच्छा आपका एक्वेरियम दिखेगा। तो आज मैं आपको ऐसे 7 टिप्स बताऊंगा जिससे आपका एक्वेरियम वाटर क्रिस्टल क्लियर लगे। टिप नंबर 1, नेवर ओवरस्टॉक। ओवरस्टॉकिंग यानी बहुत सारे फिशेस एक साथ छोटे से टैंक में रखना। इससे आपके फिश टैंक का बायोलोड बढ़ जाता है और वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा आपके फिल्टरेशन कैपेसिटी को। और जब आपके फिल्टर की कैपेसिटी कम हो जाती है फिश टैंक को साफ करने की, तो पानी गंदा दिखने लगता है। टिप नंबर 2, इन्वेस्ट इन अ गुड फिल्टर। फिल्टर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है फिश टैंक के सेटअप का और वो आपका हमेशा सही होना चाहिए। फिश टैंक के सेटअप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फिल्टर सिलेक्ट करें। अगर छोटा टैंक है तो हैंग ऑन बैक फिल्टर चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास बड़ा टैंक है तो आपको कोई और फिल्टर जैसे कि सम फिल्टर हो गया उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। एक्वेरियम फिल्टर 3 टाइप के फिल्टरेशन करता है, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल। ये तीनों टाइप के फिल्टरेशन इम्पॉर्टेंट है आपके टैंक का पानी क्लियर करने में। सो मेक श्योर आप एक ब्रांडेड फिल्टर लें आपके टैंक के सेटअप के हिसाब से। टिप नंबर 3, साइकिल योर टैंक। एक्वेरियम साइकिल, जिसे नाइट्रोजन साइकिल भी कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एक्वेरियम सेटअप का। नाइट्रोजन साइकिल के वजह से बेनिफिशियल बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं फिश टैंक में और यही बैक्टीरियाज आपके फिश टैंक के पानी को क्लियर रखते हैं। टिप नंबर 4, रन योर फिल्टर 24/7। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिल्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पूरे फिश टैंक सेटअप में और ये बहुत ही नेसेसरी है कि वो ज्यादा से ज्यादा काम करे। फिल्टरेशन ऐसी प्रोसेस है फिश टैंक में जो हमेशा चलनी चाहिए। दिन में आप 1-2 घंटा फिल्टर बंद कर सकते हैं, पर उससे ज्यादा नहीं। टिप नंबर 5, क्लीन फिल्टर एवरी 2 वीक। ये सबको पता है कि फिल्टर गंदगी कलेक्ट करता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम उसको रेगुलर बेसिस पे क्लीन करें। आपको हर 2 हफ्तों में उनको क्लीन करना चाहिए। अगर आप हर 2 हफ्ते क्लीन नहीं कर सकते तो आप एक और टिप ट्राई कर सकते हैं कि फिशेस को कम रखें। जितना कम फिशेस रहेंगे उतना लोड कम फिल्टर पर रहेगा और उतना ही कम उसको आपको साफ करना पड़ेगा। फिर भी कम से कम महीने में एक बार आपको फिल्टर तो साफ करना ही है। टिप नंबर 6, नेवर ओवरफीड। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि लोग ओवरफीड कर देते हैं और पानी को गंदा कर देते हैं। ओवरफीडिंग से पानी ही गंदा नहीं होता, बट आपकी मछली भी मर सकती है। सो ये जरूर ध्यान रखें कि आपकी फीडिंग कंट्रोल होनी चाहिए। दिन में आप 1 या 2 बार अपने फिश को फीड करें। अगर दिन में आप 1 बार भी अपने फिश को फीड कर सकते हैं तो काफ़ी है वो, और उतना ही फीड करें जितना आपका फिश 1-2 मिनट में पूरा ख़त्म कर सके। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है कि कोई भी खाना नीचे गिरना नहीं चाहिए। टिप नंबर 7, एवरी वीक वाटर चेंज। और ये मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट टिप है जिससे आप अपना पानी क्लियर रख सकते हैं। वीकली वाटर चेंज से 3 चीज़ें होती है। सबसे पहली तो आप फ्रेश पानी अंदर डालते हो, जो पुराना पानी जो नाइट्रेट से भरा हुआ पानी रहता है वो बाहर निकालते हो और आप फ्रेश पानी फिश टैंक में डालते हो। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपका जब पानी थोड़ा बहुत इवोपरेट होता है तो वो आप टॉप अप करते हो, तो फिर से वो फिश टैंक पूरा भर जाता है। और तीसरी चीज़ ये है कि आपका पानी क्लियर दिखता है। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपने एक्वेरियम का वीकली वाटर चेंज करें। आपको सिर्फ 10 से 30% वाटर चेंज करना है, डिपेंडिंग अपॉन आपके सेटअप के ऊपर है वो, बट आपको सिर्फ 10 से 30% के बीच में आपको वाटर निकाल के उसमें फ्रेश वाटर डालना है। सो दोस्तों, ये थे मेरे 7 टिप्स
एक क्रिस्टल क्लियर वाटर मेंटेन करने के लिए। आई होप आपको ये टिप्स हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द इंडियन फिश कीपर चैनल को। हैप्पी फिश कीपिंग।